संगीत की दुनिया का बड़ा नाम पंडित विश्व मोहन भट्ट किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में उनका नाम बेहद अदब से लिया जाता है। वे कमाल के कलाकार हैं और उन चुनिंदा भारतीय कलाकारों में शामिल हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। यही नहीं, भारत सरकार ने भी पंडित विश्व मोहन भट्ट को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। खास बात यह है कि वे जिस साज को बजाते हैं वो उनका खुद का बनाया हुआ मोहन वीणा है। भारत रत्न पंडित रविशंकर के शिष्य रहे हैं और उनकी खासियत है कि वे सबसे सहज कलाकार हैं। तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के 21वें स्थापना दिवस पर संगीत का प्रदर्शन करने आए मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारा घराना 300 सालों से संगीत सेवा के पुण्य कार्य में तलीन है। संगीत की शुद्धता और आधुनिक फिल्मी संगीत के बारे में पूछने पर बोले, संगीत दर्शनीय नहीं होना चाहिए, ये शुद्ध रूप से स्वर्णीय है। यह पूछने पर कि राग क्या है, पंडित भट्ट ने कहा, जो रंजन करे वह राग है। रागों के इतिहास पर बोले, रागों की शुरुआत 5000 वर्ष से भी प्राचीन है। पद्म भूषण ने कहा कि समस्त मंत्रों का उच्चारण भी इन प्रकार के रागों से होता है। श्री भट्ट ने कुलाधिपति सुरेश जैन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे लोग भी भारतीय संगीत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की मांग पर प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री उस्ताद अनवर खान ने राम भजन सुनाकर संगीत की गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। उस्ताद ने बताया कि शास्त्रीय संगीत में हर अवसर के लिए हजारों लोकगीत हैं, लेकिन आज की पीढ़ी का जुड़ाव इनके साथ दिनों दिन कमजोर हो रहा है। आज की व्यस्त जीवन शैली के लिए इनको पुनः जीवित करना अत्यंत आवश्यक है।